हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ आर्मी में। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व किए थे। थोड़ा वीडियो लेंथी होने की वजह से मैंने क्या किया था, वहाँ पे स्टॉप कर दिया। तो आज हम लोग करने वाले हैं 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ये थोड़ा सा नहीं क्या, उससे लेवल थोड़ा सा आपके है तो बहुत ईजी, लेकिन थोड़ा सा अगर कॉम्प्लिकेट कर दिया आपको, मतलब कि थोड़ा कन्फ्यूज करने के, लेकिन आपको कन्फ्यूज होना नहीं है। ओके, क्योंकि मैंने आपको सब अच्छे तरीके से कराया था। आप देख सकते हो मेरे पास मतलब फिजिकल टेस्ट बुक नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, टेस्ट बुक मोबाइल में रेफर कर रहा हूँ। अगर आपके पास टेस्ट बुक नहीं है तो टेस्ट बुक रेफर कर सकते हो, और टेस्ट बुक लेकर बैठोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको बहुत अच्छे समझेगा। ओके, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन क्या बोला था आपका, फर्स्ट फाइंड डी बाई डी एफ डी एक्स एफ लॉग एक्स उसके पावर में एक्स है प्लस लॉग एक्स के पावर में लॉग एक्स। ओके, तो हमको सबसे पहले काम क्या करना है, हम लोग क्या कर रहे हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सबसे पहले काम करते हैं। ओके, तो इसमें एक छोटा सा काम करना, देखो यहाँ पे भी क्या कॉम्प्लिकेटेड है, x पावर में है, इसके पावर में, तो ये दो दो है। ओके, एक और मैं लॉग लेके सॉल्व कर नहीं सकता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इसको अलग से इसको कुछ मतलब कुछ भी एक वेरिएबल सपोज कर देता हूँ। सपोज मैं इसको u सपोज कर लेता हूँ, इसको v सपोज कर लेता हूँ, या तो इसको m सपोज कर लेता हूँ, इसको m। ओके, तो मैं n इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरा n और m थोड़ा मिक्स हो जाता है, इसके लिए मैं u और v सपोज करता हूँ। तो लेट या तो सपोज u इज इक्वल टू log x पूरे पावर में x एंड v इज इक्वल टू x, क्या है ये, क्या है x पूरे पावर में log x। ओके, फर्स्ट का मैंने क्या किया सपोज कर लिया, अब इसको यहां पर रख दो तो क्या जाएगा, y इज इक्वल टू जाएगा u प्लस v। डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, यहां पे क्या जाएगा, dy / dx इज इक्वल टू du अपॉन में dx प्लस dv अपॉन में dx। इसको देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, इसको देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमको dy / dx फाइंड करने के लिए बोला है। ओके, और यहां पे अभी हमारे पास कुछ भी है नहीं, तो मैंने इसको du / dx अपॉन में dv / dx यहां पर लगा छोड़ दिया। अब हमको क्या चाहिए, du / dx चाहिए और dv / तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ले लेते हैं, टेक क्या u इज इक्वल टू क्या है, log x है पूरे पावर में x है। ओके, अब क्या करना है, सो ले लो log, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, चलो ले लेते हैं, लिखो टेकिंग log ऑन बोथ साइड। ओके, दोनों साइड में लॉग ले लो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यू लॉग, सॉरी लॉग यू हो जाएगा, लॉग यू इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग इसके ब्रैकेट में लॉग एक्स इसके पावर में एक्स। ओके, अब देखो ये हो गया, अब ये क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा तो जाएगा लॉग यू इज इक्वल टू ये एक्स इंटू लॉग ब्रैकेट में लॉग एक्स। ये जो देखो ये जो है ना आपका, ये आपका ना एक्स का काम करेगा log x। ओके, और ये x है, तो यहां पे देख लो मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, प्रोडक्ट रूल दिख रहा है, तो यहां पे लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो मैं क्या करूं, डिफरेंशिएट करूंगा, जब डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा, चेक करते हैं, तो log u है, यानी कि log x से क्या होता है, 1 / x होता है, तो यहां पे हो जाएगा 1 / में u into, ये क्या है, u एक फंक्शन है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू मैं x को डेरिवेट कर रहा हूं। ओके, तो यहां पे क्या जाएगा, du by dx is equal, ये हो गया। और देखो यहाँ पे क्या है, x into log x, तो हम लोग क्या करेंगे, u into v rule लगाएंगे, u into v rule, तो यहाँ पे अगर मैं u into v rule क्या बोलता है, मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे u into v rule कहता है, u into v rule कहता है d upon में dx, तो क्या था, u को कॉमन लिया d v by dx plus v को कॉमन लिया du by, या तो क्या है u into v, तो यहां पे मुझे सेम लगाना पड़ेगा, u को कॉमन लूंगा, v को डेरिवेट करूंगा, फिर v को कॉमन लूंगा, u को डेरिवेट करूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, u पे डेरिवेट करता हूं। ओके, तो देखो u को कॉमन ले, x को कॉमन ले, तो x लेने वाला है into, v को डेरिवेट कर रहा हूं, तो log x क्या, तो 1 / में x होता है, 1 / में x, यानी कि x क्या अपना x, यहां पे log x है, तो यहां पे क्या ले लूंगा, log x into, इसको वापस से डेरिवेट करूं, क्यों, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है, 3.1 में हमने सीखा था एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन को क्या करते हैं, जब तक पूरा फंक्शन खत्म ना हो जाए तब तक उसको क्या करना है, डेरिवेट करते रहना है। ओके,
तो यहाँ पे इसको वापस डीएपन में डीएक्स यहाँ पे जाएगा लॉग एक्स। ये हो गया पहला काम। फिर दूसरा क्या है, अब दूसरे को कॉमन लो, लॉग ब्रैकेट में लॉग इसको कॉमन लिया तो किसको डेरिवेट करना पड़ेगा, एक्स को, तो इसका डेरिवेट कितना था, वन होता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, वन के अपॉन में यू इन टू डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ये एक्स अपॉन में लॉग एक्स इन टू, इसका क्या आएगा, लॉग एक्स क्या था, वन अपॉन में एक्स होता है प्लस लॉग ब्रैकेट में लॉग एक्स। अभी देखो ये और एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये यू इंटू इधर तो डिवीजन में, सॉरी इधर डिवीजन इधर तो इंटू में, तो डी यू अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू यू ब्रैकेट में क्या जाएगा यहाँ पे, वन के अपॉन में लॉग एक्स प्लस लॉग ब्रैकेट में लॉग एक्स। ये हो गया। अब यू का वैल्यू क्या है, हमने यू किसको सपोज किया था, यू सपोज किया था यहाँ पे देखो ये अगले पार्ट को, तो क्या जाएगा डी यू अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स उसके पावर में एक्स ब्रैकेट में वन के अपॉन में लॉग एक्स प्लस लॉग ब्रैकेट में लॉग एक्स। ओके, इसको देता हूं मैं क्वेश्चन नंबर टू, इसको देता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, अब आ जाओ नीचे वाले पार्ट पे आ जाओ। हमने क्या किया, डी यू आई डी एक्स तो निकाले, एक काम तो खत्म हो गया, अब दूसरा निकालना है डी यू आई डी एक्स, उसके लिए क्या करो, डी को ले लो टेक, तो नाव लिख दो जो भी चल गया, नाव बी इज इक्वल टू क्या है, एक्स के पावर में लॉग एक्स। यहां पे भी क्या कर रहे हैं हम, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लिखो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहां पे क्या हो जाएगा, लॉग बी इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग ब्रैकेट में एक्स के पावर में लॉग एक्स। ओके, हमने क्या किया, लॉग को दोनों साइड ले लिया। अब लॉग आगे करो तो पावर में क्या जाए, पहले आ जाएगा तो जाएगा लॉग बी इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स। ओके, अब देखो यहां पे भी लॉग एक्स, यहां पे भी लॉग एक्स, मीन्स क्या होता है, लॉग एक्स का स्क्वायर होता है, तो लॉग बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा लॉग एक्स पूरे का स्क्वायर। ओके, अभी लॉग एक्स का स्क्वायर है, अब हमको क्या करना है, इसको डेरिवेट करना है, अभी से तो कुछ कर नहीं सकते तो डेरिवेट कर दो, तो लिखो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा लॉग बी, तो क्या हो जाएगा, लॉग का क्या था, वन अपॉन में एक्स एन लो, वन अपॉन बी टू डी वी बाय डी एक्स, ये हो गया। फिर क्या होता है, इज इक्वल टू, अभी देखो हमने एक चीज सीखा था, यहाँ पे लिखता हूँ, हाँ ए रेस्ट, हाँ सॉरी ये नहीं, हाँ एक्स रेस्ट टू एन इज इक्वल टू क्या होता था, क्या होता था, एन रेस्ट में एक्स माइनस वन, ये फॉर्मूला होता था अपना डेरिवेटिव का। तो यहाँ पे देखो एक्स के पावर में एन है, ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू एक्स एन की लॉग एक्स, टू लॉग एक्स हो गया इन टू डी अपॉन में डी एक्स। अभी बोलेंगे क्यों, क्योंकि देखो इसको तो मैंने पावर को डेरिवेट कर दिया लेकिन अंदर लॉग का डेरिवेटिव हुआ क्या नहीं ना, तो इसको वापस से डेरिवेट करना पड़ेगा, क्यों, बिकॉज इट इज अ कंपोजिट फंक्शन। ओके, 3.1 में हम लोग सीखे थे, तो यहां पे क्या जाएगा, लॉग से वापस से डेरिवेट करूंगा, ठीक है जाएगा 1 अपॉन में v dv / dx इज इक्वल टू, ये काम करता हूं v को इधर इंटू में इधर तो डिवीजन में चल जाएगा, इधर को इधर डिवाइड है ना, इधर तो इंटू में, तो 2 ब्रैकेट में v आ गया, हां v ब्रैकेट में टू लॉग एक्स इंटू वन बाय एक्स, क्योंकि लॉग एक्स क्या होता है, वन अपॉन में एक्स होता है, तो हो जाएगा डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, वी का वैल्यू क्या है, वी का वैल्यू हमने क्या सपोज किया था, एक्स के पावर में लॉग एक्स ब्रैकेट में टू लॉग एक्स अपॉन में एक्स। ये आ गया अपना इक्वेशन नंबर, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री, फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री, अब वन टू थ्री से क्या जाएगा, देखो पहले इसको लिख लेता हूं मैं, एक इससे पढ़ाई देता हूं आपको, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाय डी एक्स प्लस dv by dx,
अब क्या करना है, du by dx की वैल्यू कहां से आएगा, dv by dx वैल्यू यहां से आ जाएगा। तो लिख देता हूं मैं, तो जाएगा क्या है log x इसके पावर में x ब्रैकेट में 1 अपॉन में log x प्लस का log ब्रैकेट में log x प्लस dv by dx की वैल्यू क्या है, यहां पे कर देता हूं, क्या है x रेस्ट टू log x ब्रैकेट में 2 log x अपॉन में x। दिस इज योर फाइनल आंसर। देखो कितना इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग यूज करना, बस यहां के डिवाइड बाय dx, ये आपको क्या हो गया आंसर। एक बार मैं चेक कर लेता हूं आंसर सही है कि नहीं। आंसर तो बिल्कुल करेक्ट। ओके देखो इसको इस तरीके से करना है, करना क्या है, सबसे पहले जो भी दे इसको u और इसको v मान लिया, आप इसको m और n सपोज कर सकते हैं, a और b सपोज कर सकते हैं, p और q जो भी आपको इच्छा वो सपोज कर सकते हो। ओके आप अपने नाम का लेटर सपोज कर सकते हो। तो मैंने इसको u और v सपोज कर दिया। अब मैंने क्या किया, u और v रख के इसको डिफरेंशिएट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 दे। ओके फिर मैंने u को मतलब बोलते हैं इंडिविजुअली डिफरेंशिएट किया तो मेरे को ये वैल्यू आया, फिर मैंने v को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट किया तो ये वैल्यू आया। अब मैंने क्या किया, दोनों u और v को उठा कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में, तो मुझे आंसर मिल गया। ओके आपको इसमें 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन से हो गया, 2 क्वेश्चन और है सेम इसी पैटर्न में सॉल्व करना है। ओके तो आप उसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरा आ रहा ना?